महिला के हत्यारे गिरफ्तार, कब्रिस्तान में दबा दी थी बॉडी। मंगलपुरी इलाके में रहने वाली एक 54 साल की महिला की तीन बदमाशों ने हत्या करके उसकी बॉडी को कब्रिस्तान में दफना दिया था। पुलिस ने तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है और महिला की बॉडी को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आउटर जिले के DCP हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 2 जनवरी को चरणजीत नाम एक महिला की गुमशुदगी की सूचना मिली थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पूछताछ में पता चला कि वह छोटे मोटे कर्ज देकर रेडी पटरी वालों से रोजाना पैसे वसूलती थी। पुलिस ने उसके फोन को चेक किया लेकिन उसका फोन लगातार बंद मिला। पुलिस को CCTV फुटेज से भी कुछ जानकारी हासिल नहीं हुई। जांच के दौरान पीड़ित के आखिरी 2 कॉल करने वालों की लोकेशन मिली। इस आधार पर पुलिस ने मोबिन को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की लेकिन उससे भी पूछताछ में कुछ हासिल नहीं हो पाया। मोबिन की निशानदेही पर आरोपी नवीन, जिसने इस संबंध में जमानत याचिका भी दायर की थी, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। उसने पूछताछ में अपनी संलिप्तता कबूल की। 2 जनवरी को थाना मंगोलपुरी में एक 53 वर्षीय महिला के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी। उसके बाद से महिला को तलाशने का प्रयास करते हुए थाने की पूरी टीम ने CCTV फुटेजेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और लोकल इंटेलिजेंस गैदर करना शुरू किया। इसमें केस दर्ज करने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह बात सामने आई कि महिला 2 व्यक्तियों के साथ देखी गई थी। जब हमने उनकी कॉल डिटेल से वेरीफाई करना शुरू किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि लास्ट सीन में मोबिन और नवीन, ये 2 शख्स थे जो उनके साथ थे और उनको अप्रिहेंड किया गया। इंटरोगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि महिला ब्याज पे पैसे देने का व्यवसाय करती थी और इन दोनों लोगों ने भी उनसे लोन लिया हुआ था और लोन की रकम ज्यादा होने और वापस न करने की वजह से ये परेशान थे और महिला के बार बार दबाव डालने पे कि लोन चुकता किया जाए, इन्होंने प्लान किया और मोबिन अपने कमरे पे महिला को ले गया जहां तकिए से उनका मुंह दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मोबिन और नवीन ये दोनों इलाके में सर्वे पे निकले जहां पे वो बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर सकते थे और उन्होंने नांगलोई एरिया में एक कब्रिस्तान आइडेंटिफाई किया जहां पे रात के 2 बजे ये ले जाकर बॉडी को दफना दिया गया। इसमें रेहान नाम का तीसरा शख्स भी इनके साथ था। इसमें हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है जिनमें कब्रिस्तान का वो केयर टेकर भी है जिसने रात में बरियल अलाउ किया और 5,000 रुपए लेकर रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं की। इसमें आगे तफ्तीश जारी है। SDM के प्रेजेंस में महिला के शव को कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया है और मॉर्चुअरी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आरोपियों ने खुलासा किया कि वह और मोबिन इस महिला को 4-5 साल से जानते हैं और रेहान ने लगभग 1 बजे मांगेराम पार्क के कमरे में उसकी हत्या कर दी और आधी रात को उसने नांगलोई के कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वो महिला रेहड़ी पटरी वालों को छोटा मोटा कर्ज देकर रोजाना मिले पैसों के ब्याज से अपना घर चला रही थी। उसके कुछ जानकार लड़कों ने पैसों के लालच में उसको अगवा कर लिया और हत्या करके उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्रिस्तान से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश आवर, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।